रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबाला फूले जी, सावित्री बाई फूले जी, फातिमा शेख जी, साहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार ई रामस्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एवं माननीय कंसराम साहब सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबको मैं समाज की बेटी वीरांगना झलकारी बाई जी के जयंती पर शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आज एक बात की बेहद खुशी है कि जो मिशन जयभूमि ने एक शुरुआत की थी लीडर तैयार करने की, तो आज हमारे बीच बहुत सारे लीडर तैयार हो गए। मैं सोचता था कि हर बार मैं ही बोलूंगा तो लीडर तैयार कहां से होंगे, हमें तो मेरे जैसे पूरे देश में कम से कम 1000 तैयार कर रहे हैं। जब 1000 तैयार होंगे तब समाज का यह आंदोलन मजबूती से आगे बढ़ेगा। एक व्यक्ति पूरे देश में इतने बड़े देश में समाज के आंदोलन को नहीं चला सकता। तो मिशन जयभूमि का स्थापना करने का एक उद्देश्य यह भी था कि हम अपने लोगों को कर्नाइज करके अपने लोगों को तैयार करेंगे, अपने लोगों में लीडरशिप डेवलप करेंगे, क्योंकि एक बाबा साहेब हमारे बीच नहीं रहे, माननीय कांतिराम साहब हमारे बीच नहीं रहे, तो पूरा वैक्यूम आ गया। समाज में लीडर नहीं है, समाज के हक अधिकार की लड़ाई कौन लड़ेगा। मैंने प्रयास शुरू किया लेकिन अकेले मेरे से बात करने वाली नहीं है। अगर बाबा साहेब ने इतने लोग तैयार किए, उन्होंने मूवमेंट को आगे चलाया, कांसराम साहब ने तैयार किए, लेकिन परमानेंट अगर कैडर सेंटर बन जाता और हर साल वहां से कैडराइज वॉलंटियर निकलते, तो बाबा साहेब के जाने का और कांसराम साहब के जाने का दुख ना होता। फिर यह रहता कि बहुत तैयार उन्होंने कर दिए, अब इस लड़ाई को कोई ना कोई लड़ेगा, चिंता की बात नहीं है। तो मेरी चिंता ही सिर्फ इसलिए है क्योंकि कोई व्यक्ति अजर अमर नहीं है, व्यक्ति मर सकता है, कल को मुझे कुछ हो सकता है, मैं मर सकता हूं, लेकिन ये जो बाबा साहब का विचार है समता मूलक समाज की स्थापना करना, समाज में समता, मैत्री, भाईचारा और न्याय हो, भारत बौद्ध में बने, जाति के लिए कोई स्थान ना हो, कोई जन्म से ऊंच और नीच ना हो, सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर हो, इसके आंदोलन को कौन लड़ेगा। व्यक्ति का एक उम्र की सीमा होती है, कोई ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक जी जाए तो 100 साल माना जाता है, और वैसे तो आजकल एवरेज उम्र 70 साल है, पता जवान का नहीं है, कुछ हो जाए हम कल को ना रहे, लेकिन मन में जो टीस है, जो दुख है, जो चिंता है, वो इसी बात की है कि हम रहे ना रहे ये मोमेंट चलेगा या नहीं चलेगा। इसलिए हम मोमेंट को चलाने वाले लोग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, विचारधारा बड़ी होती है। व्यक्ति आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन विचारधारा खत्म नहीं होनी चाहिए। आज देश के अंदर दो विचारधाराएं और लंबे समय से इन दो विचारधाराओं के बीच में वैचारिक लड़ाई चल रही है। कभी इसी विचारधारा को आर्य और अनार्य के बीच के युद्ध के रूप में जाना जाता, कभी इसी विचारधारा को देवासुर
संग्राम के रूप में जाना जाता है। तभी इसी विचारधारा को ब्राह्मणवादी विचारधारा और पितृवादी विचारधारा इसके रूप में जाना जाता है। कभी इसी विचारधारा को गांधीवादी विचारधारा और अंबेडकरवादी विचारधारा के रूप में जाना जाता है। तो विचार की लड़ाई चल रही है। बहुत बड़ी ताकत जिनके पास पूरे देश के संसाधन है, जिनका देश के न्यायालयों पर कब्जा है, जिसका देश के सेक्रेटरी पर कब्जा है, जिसका देश के सारे संसाधनों पर कब्जा है, वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित ऊंच नीच की विचारधारा को बरकरार रखना चाहते हैं। और जिनके पास साधन नहीं है, जो गरीब है, जिनसे षड्यंत्र के तहत जिनको हजारों साल तक पढ़ने नहीं दिया, हजारों साल तक व्यापार नहीं करने दिया, हजारों साल तक संपत्ति इकट्ठा नहीं करने दी, बड़े मुश्किल से 3,500 साल की गुलामी को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने तोड़ा था, लेकिन अब फिर से हमारे समाज से शिक्षा को छीन लिया गया है। अब आप कहेंगे कहां छीन लिया जी, कोई भी जाकर पढ़ सकता है। अगर आपका बच्चा हायर एजुकेशन में जाता है, एडमिशन के टाइम पे 2-2 लाख रुपए फीस जमा करनी पड़ रही है सरकारी कॉलेज में, क्या हमारे समाज के, बहुजन समाज के, गरीब समाज के, पिछड़े वर्ग के 95% से ज्यादा लोग ऐसे नहीं है जो एक साल की एक बच्चे की 2 लाख रुपए की फीस जमा नहीं कर सकते? क्या इसको एजुकेशन छीन लेना नहीं कहेंगे? बच्चा मेहनत करके जैसे तैसे इंजीनियरिंग में सफल हो जाए और कॉलेज के 2 लाख रुपए फीस जमा करो और वो बच्चा ना कर पाए, लोन उसे कोई नहीं देता और उसका बच्चा उस बाउंड्री पर पहुंच के पैसे के अभाव में फिर वापस घर बैठ जाए, क्या इसको शिक्षा को छीन लेना नहीं कहेंगे? दिल्ली के अंदर एजुकेशन में सुधार हुआ है, लेकिन पूरे देश के अंदर तो सरकारी स्कूल बिल्कुल बर्बाद है। टीचर पर्याप्त मात्रा में है नहीं, पढ़ने का माहौल है नहीं, और प्राइवेट में पढ़ाए तो एक बच्चे की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, सारे खर्चे अगर जोड़ लें तो 8,000 से 10,000 रुपए एक बच्चे की पढ़ाई पर खर्च होता है। हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे हो तो 15,000 से 20,000 रुपए केवल 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए। क्या हमारे भोजन समाज के, पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित जाति जनजाति के या दूसरे वर्गों के जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स मजदूर हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, क्या उन बच्चों की 15-20 हजार रुपए महीने की प्राइवेट स्कूल की फीस के खर्चे को उठाने में उनके पेरेंट्स सक्षम है? बहुत से साथी कहेंगे गौतम जी इस बात को बार बार बोलते हैं, भाई ये बताओ क्या इस समस्या का समाधान हो गया? जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता ये बात मैं बार बार बोलूंगा, पूरे देश में जाके बोलूंगा। यही बात अब से 4 दिन पहले उत्तराखंड में बोली मैंने, हरिद्वार के अंदर, यही बात कल मैंने गोवा में बोली, यही बात कल मैं गुजरात के राजकोट में बोलूंगा, यही बात परले दिन मैं बेंगलोर में बोलूंगा, मैं पूरे देश के कोने कोने में जाकर यह बात तब तक बोलता रहूंगा जब तक समाज के लोग सरकारों की गर्दन पकड़कर सरकारों को इस चीज के लिए तैयार ना कर लें कि बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, इलाज का खर्चा तो कम से कम सरकार उठाए, और जो सरकार बच्चों की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकती, जो सरकार लोगों के इलाज का खर्चा नहीं उठा सकती, ऐसी सरकारों को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। वैसे तो ऐसे मुद्दों पर हमारे देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालयों को
सुमो का एक्शन लेना चाहिए। सुमो का सरकारों को बुलाकर समन करके पूछना चाहिए कि आप बच्चों की पढ़ाई का खर्चा क्यों नहीं उठाते, आप बच्चों के पढ़ाई का या लोगों की बीमारी का कम से कम ये दो खर्चे तो सरकार को उठाए। लेकिन ये कोर्ट काम नहीं कर रही है, ये काम कोर्ट को करना चाहिए। लेकिन जब सारे दरवाजे बंद हो जाए तो एक ही दरवाजा है और वो है समाज की ताकत। जिंदलपाल गौतम जी आगे बढ़ो, जिंदलपाल गौतम जी आगे बढ़ो। समाज की ताकत के बिना कोई पार्टी की देश में सरकार नहीं बन सकती। लेकिन जब पार्टियां समाज को वोट बैंक के रूप में मानना शुरू कर दे और समाज के लोग वोट बैंक बन जाए, फिर समाज की न्याय की लड़ाई को कैसे लड़ा जाएगा? अपना अच्छा बुरा, अपने बच्चों का भविष्य के बारे में अब कोई और सोचने वाला नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर वापस नहीं आएंगे, माननीय कांतिराम साहब वापस नहीं आएंगे, हम में से आप में से किसी को बाबा साहब अंबेडकर बनना पड़ेगा, माननीय कांतिराम बनना पड़ेगा। मैं बार बार बोलता हूं, जो बाबा साहब का अंतिम सपना था भारत को गौरव बनाने का, वो बोलने के पीछे एक वजह है और वजह यह है जिस धर्म में लोग वर्ण में बटे हों, जिस धर्म में लोग जातियों में बटे हों, जिस धर्म में कुछ खास लोगों को आगे बढ़ने का अधिकार हो, जिस वर्ण में महिलाओं को पुरुष की संपत्ति के तौर पर माना जाता हो, उस देश का कभी विकास हो नहीं सकता। लेकिन हम भारत को इस तरह कमजोर होते हुए देख नहीं सकते, क्योंकि भारत हमारा है, भारत हमारा है और हमें भारत के उसी गौरव को वापस लौटाना है जब भारत को लोग सोने की चिड़िया के रूप में जानते थे। और उस समय सम्राट अशोक के टाइम पे जब भारत पूरा बौद्ध में हो गया, म्यांमार से लेकर काबुल कंधार तक पूरा भारत बौद्ध में था, राजा भैरव के अंतिम जो अंतिम सम्राट थे मौर्यवंश के, उनके सेनापति पुष्यमित्र सूद ने जिस छल कपट से धोखे से उनकी हत्या की और हत्या करने के बाद सत्ता कब्जा कर सत्ता का गलत इस्तेमाल कर ताकत के बल पर 84,000 बौद्ध मठों को तोड़वाया, सारे बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं करवाई और फिर ये जाति पर आधारित, विषमता पर आधारित, अन्याय पर आधारित व्यवस्था को दोबारा से भारत ने स्थापित किया, तब से भारत का पतन शुरू हो गया। उसके बाद भारत एक बार नहीं, हमारा देश अनेकों बार गुलाम हुआ, इतिहास गवाह है। अनेकों बार हमारे अपने देश के शासकों ने विदेशियों को अपने पड़ोसी राज्य पर हमला करने के लिए बुलाया, क्या ही सच्चाई नहीं? मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, कोई भी आके आगे बहस कर ले। तो जब हमारे अपने देश में ऊंच नीच की भावना हो, एक दूसरे को कमजोर करने की भावना हो, अपना शासन बचाने के लिए पड़ोसी पर हमला करवाने की भावना हो, तो फिर भारत मजबूत कैसे होगा? और जहां जाति और धर्म पे समाज आधारित बटा हो, जाति धर्म पे के आधार पर समाज बटा हो, वहां न्याय नहीं हो सकता। इसीलिए समस्या को समझने के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने बुद्ध का धर्म दिया। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बुद्ध के धर्म की दीक्षा ली और उन्होंने कहा मैं भारत को बौद्ध में बनाऊंगा। लेकिन 1 महीने 22 दिन बाद वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए और बाबा साहेब का वो समता पूर्वक समाज का सपना, एक न्याय पर आधारित, ज्ञान पर आधारित, प्रज्ञा पर आधारित, शील पर आधारित, समता मैत्री भाईचारे पर आधारित समाज का जो सपना था बाबा साहेब का, वो सपना सपना रह गया। हमने ये सपना देखा, हम मिशन जमीन के सारे साथी पूरे देश के अंदर बिखर जाएंगे और पूरे देश के अंदर समता मैत्री भाईचारे और न्याय पर आधारित, ज्ञान पर आधारित समाज की स्थापना करेंगे, समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे, भारत को बौद्ध में बनाएंगे और फिर से भारत गौरवशाली राष्ट्र बनेगा।
की आजादी में अनेकों वीरों ने अपनी कुर्बानी दी, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनको जगह नहीं मिलती। वीरांगना झलकारी बाई को जगह नहीं होगी, बिरसा मुंडा के लिए जगह नहीं है, अवंती बाई लोधी के लिए जगह नहीं है, बुद्धा देवी पासी के लिए जगह नहीं है। तो हमारे अनेकों ने जिन्होंने आजादी के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, लेकिन जब देश का इतिहास लिखा गया तो उस इतिहास के अंदर लक्ष्मीबाई के लिए तो स्थान है, लेकिन उस लड़ाई को वास्तविक रूप से लड़ने वाली झलकारी बाई के लिए स्थान नहीं है। तो जो हमारे महापुरुषों को जो स्थान भारत के इतिहास में मिलना चाहिए था वो स्थान उन्होंने नहीं दिया, ना वो कभी देंगे। आप लोग मन से तैयार हो जाइए, हम अपने समाज के महापुरुषों के इतिहास को खोज के निकालेंगे और खुद लिखेंगे। हम देश के कोने कोने तक पूरी दुनिया तक अपने समाज के महापुरुषों के इतिहास को पहुंचाएंगे। तो साथियों, मैं पुनः आज वीरांगना झलकारी बाई जी की जयंती पर आपको शुभकामनाएं देते हुए आपसे एक निवेदन करता हूं। इंजीनियर डॉक्टर तो सब चाहते हैं अपने बच्चों को बनाना, लेकिन अपने बच्चों को सामाजिक शिक्षा भी दीजिए। अपने घर में से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, कांसीराम, शहीद भगत सिंह को पैदा कीजिए। अपने घर में से अभी तक हमने देखा है लोग अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर आईएएस आईपीएस बनाने के लिए करते हैं, लेकिन कम उम्र से ये तय नहीं करते इसको वकील बनाऊंगा। जब कोर्ट में केस जाता सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, ढूंढने से भी अपना कोई ऐसा वकील नजर नहीं आता जो जज भी बैठ के उसकी तकरीर को ध्यान से सुने, बीच में ना बोल पाए। उसका कारण सिर्फ एक है कि हमने अपना जो क्रीम है, हमारे जो बच्चे क्वालिफाइड तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, बेहद इंटेलिजेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हमने उनको सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर जज आईएएस आईपीएस बनने के लिए तो प्रेरित किया, लेकिन वकील बनने के लिए प्रेरित नहीं किया। तो हमें अपने अच्छे वकील भी बनाने हैं, और हमें अपने परिवारों में से बाबा साहब अंबेडकर, मानवर, कांसीराम सिंह, भगत सिंह भी बनाने हैं। केवल जयंती नहीं मनानी, वीरांगना झलकारी बाई की जयंती मना के खुश हो जाओ, पूजा देवी पासी की जयंती मना के खुश हो जाओ, अपने घर में ऐसी बेटियां भी पैदा करो कि उनकी इज्जत की तरफ कोई राह उठा के आगे सके। और ये जाति खत्म करने का समय आ गया साथियों। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी जब नेम सिंह प्रभु बोल रहे थे, दिल खुश हो रहा था मेरा कि चलो जो हम जिस सोच के साथ हमने शुरुआत की थी वो सोच अब चल पड़ी है। गुजरात के गांव गांव में मीटिंगें चल रही है, मैं कभी आप फुर्सत से देखना, फोटो देखूंगा दिखाऊंगा आपको, गुजरात के गांव गांव में मीटिंगें चल रही है, समाज को तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गांव गांव में मीटिंगें चल रही है, मध्य प्रदेश के गांव गांव में मीटिंग चल रही है, महाराष्ट्र के गांव गांव में मीटिंग चल रही है, कर्नाटक में मीटिंगें चल रही है, तमिलनाडु में मीटिंग चल रही है, झारखंड में चल रही है, छत्तीसगढ़ में चल रही है, पंजाब में चल रही है, हरियाणा में चल रही है, दिल्ली में चल रही है। तो ये केवल ये मत समझ लेना हम तुम जो यहां बैठे यही लोग हैं, और ये भी मत समझ लेना केवल मिशन जय भीम है, पूरे देश के अंदर हमारे समाज के आंदोलनकारी समता मैत्री भाईचारे प्रादर्शी समाज का निर्माण करने के लिए, न्याय के आंदोलन को चलाने के लिए देश के कोने कोने में प्रयास चल रहा है। हमारा प्रयास रहेगा उन सारी संस्थाओं को एक एक माला में पिरोने का, जिसके लिए मैं पूरे देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों में लगातार जा रहा हूं और उसमें हमें सफलता मिल रही है। आप उम्मीद कीजिए, अपना उम्मीद मत खोइए, होके मायूस नहीं शांत से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, क्योंकि हम पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।